थैंक यू। बस मेरा मन हुआ कि ये काफी दिन इन बिटवीन, आपको पता है कि मैंने वेट पुट ऑन कर लिया था, तो ये मेरे पुराने ड्रेस है, मेरा बहुत वन ऑफ माय फेवरेट ड्रेस, लेकिन मैं बीच में नहीं पहन पा रही थी, तो अभी आई एम फिटिंग इनटू इट, सो पहन लिया आज। और या ऑफ कोर्स एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल, तो इट इज मेकिंग मी फील गुड। एंड रेड का हम ऐसा कह सकते हैं कि पोस्टर भी है पीछे, तो थोड़ा सा अगर आप बता सके, रेड साड़ी में है आप, एंड रेड क्या होगी, क्या जॉनर होगा, क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा? इट्स अ रोमांटिक थ्रिलर, और मैं आपको इतना बोल सकती हूँ एट दिस मोमेंट कि ये फिल्म बहुत डिफरेंट होगी देन टुडेज फिल्म, दो इट हैज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टुडेज एरा, लेकिन ये फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय 70s 60s एरा, एंड देन वी हैव यू नो लाइक द मॉडर्न टच, तो इट विल बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर ऑडियंस। So we are looking forward. I'm sure audience is going to love this movie, and the songs are very nice. So it's a thorough entertainer, and as well as it's something that we have, it has some moral values, and it will say some moral story also. Mm-hmm. So audience will get the flavor of golden era of Bollywood. Mm-hmm. Bollywood ne bahut khoobsurat movie banate the. Ek era mein कुछ नहीं होता था, लेकिन गाने होते थे, अच्छे स्टोरीज होते थे, जो शायद आज समटाइम्स आई पर्सनली फील की इट्स लैकिंग, तो और हम बहुत ज़्यादा दूसरों पे डिपेंडेंट हो रहे हैं बीइंग अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो हम कभी साउथ के यू नो लाइक कॉपी कर लेते हैं, या वी आर डूइंग सम सच काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन हम लोग फिल्म को इवन सॉन्ग्स ऑल्सो आप देखोगे तो सारे सॉन्ग्स और रिमिक्स बनाते हैं, लेकिन ये फिल्म में आपको वही सेम मतलब यू नो लाइक एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म में। आई विश कि ये लोगों को, ऑडियंस को बहुत पसंद आएगी, लेकिन उससे पहले पैंडेमिक अगेन हाई हो चुका है, हाँ। कैसे घर में जिम भी बंद हो गया, तो कैसे आप, क्या जो एक्टिविटीज है डेज की, कैसे आप करती हैं, क्या कुछ कर पाती है घर में, बोर हो जाती है, हालांकि आज आप यहां पे मीटिंग में प्रेजेंट हैं, आई प्लेजर कि हमें आपसे बात करने का मौका, डे कैसे चलता है आपका लॉकडाउन का अभी का? क्योंकि मेरे बिल्डिंग का, मेरे सोसाइटी जो है बिल्डिंग के, इट्स क्वाइट बिग, तो मैं वॉक पे जाती हूँ, अब तो जिम वगैरह, जिम तो मेरे बिल्डिंग में भी है, मेरे सोसाइटी में भी है, बट जिम सारे बंद है, तो आई गो फॉर वॉक, तो वैसे ही मैनेज करती हूँ, डाइट करके मैनेज मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरा शूट शुरू होने वाला है, सो आई कैन नॉट टेक चांसेस, मैं मतलब रैदर माय फोकस शुड बी लूजिंग वेट रैदर देन पुटिंग ऑन वेट, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो फिल्म है मेरी रेड, इस फिल्म में मेरा 3 डिफरेंट शेड्स है, एक में मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, देन आई एम हाउस वाइफ, एंड देन There is another character that I'll be portraying in this film, जो मैं अभी नहीं बोल सकती, reveal नहीं कर सकती, लेकिन then it will be surprise for audience. तो जो college student का scene है, वो हम shoot करने वाले हैं अभी in the upcoming schedule. तो I literally have to look lean, thin and 18 or 17 years old girl, because college में हम 16-17 के ही होते हैं. तो you know like I'm playing a decade younger than what I'm actually. So for that I'm very much on strict diet. I have to get into that. I have to get into the skin of the character. अभी actually मैं supposed to start from 17th of this month, but and we were shooting it in Bhopal. लेकिन अभी वहाँ से मना किया shoot करने के लिए, तो it is shifted May से shoot करने के लिए, and then we will complete the whole film. Because of this year's pandemic, so many tension, इसके वजह से ना आगे बढ़ नहीं पा रहे, तो ये schedule में हम लोग पूरे like will complete the whole thing. Pandemic की वजह से
सिर्फ इंडस्ट्री को तो हो ही रहे हैं मॉनिटरी एंड एक्टर्स को मेंटली एंड ऑडियंस को एंटरटेनमेंट वाइज, बिकॉज आप कितना भी ओटीटी प्लेटफॉर्म में रिलीज कर लो, एक फीचर फिल्म और ओटीटी फिल्म में बहुत फर्क होता है. लेकिन जब आपको फीचर फिल्म इंस्टेड ऑफ थिएटर आपको ओटीटी में कम, मतलब बिकॉज टू इनकार लॉसेस, तो यू नो लाइक आपको ओटीटी में रिलीज करना पड़ता है, तो उसका फ्लेवर अलग होता है, तो लोग मे बी उसको नहीं ले पा रहे क्योंकि ओटीटी में दे वाज डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट और फिल्म का कंटेंट अलग होता है. तो ये एक चीज़ है जो मेंटली भी लोगों को थोड़ा सा हैरस कर रहे हैं ऑडियंस को. Let us get over this, go out and let's leave.